गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप लोग यहां पे रॉयनेट एक्सप्रेसो की आईडी लेना चाहते हो, रॉयनेट से जुड़ के काम करना चाहते हो, तो यहां पर जो है रॉयनेट एक्सप्रेसो काफ़ी बड़ा कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन यहां पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो इस वीडियो में हम जो है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आपको रॉयनेट एक्सप्रेस की आईडी कैसे लिया जाता है और आप जो है यहाँ पर आप रॉयनेट एक्सप्रेसो की आईडी लेके कौन कौन से काम कर सकते हो। तो ये टोटल प्रोसेस हम बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं रॉयनेट एक्सप्रेसो की आईडी, तो इस वीडियो में बने रहिए। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी आपको सीएसपी मिलता है रॉयनेट एक्सप्रेसो का आईडी लेने से, जिसमें आपको जीरो बैलेंस से अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी मिल जाती है। तो ये वीडियो पूरा वॉच करिए, अगर आप लोग वॉच नहीं करते तो आपको आईडी नहीं मिल पाएगा और बहुत ही लो कॉस्ट में और बहुत ही लो प्राइस में आपको आईडी मिलने वाला है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉयनेट एक्सप्रेसो के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है रॉयनेट एक्सप्रेसो एईपीएस कंपनी है और ये काफी बड़ी कंपनी है। रॉयनेट के साथ जुड़ के बहुत सारे लोग जो अच्छा इनकम कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है इसका आईडी लेने में। तो हम सबसे पहले इसकी सर्विसेज के बारे में जान लेते हैं कि इसमें सर्विसेज आपको क्या मिलेगा। अगर आप लोग रिटेलर आईडी लेते हो तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी आप लोग हमसे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर ले सबसे पहले अगर आप लोग रिटेलर आईडी लेते हो तो यहाँ पर भी आपको मैं लिस्ट दिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक बार। अगर आप लोग जो है यहाँ पर एईपीएस लेते हो यहाँ पर रॉयनेट एक्सप्रेसो का, तो आपको जो यहाँ पर सर्विसेज मिलने वाला, पहला तो यस बैंक का एईपीएस मिलेगा। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू आप लोग पैसा निकाल सकते हैं किसी भी आधार कार्ड के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करने का, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करने के बाद आपको जो आईसीआई बैंक का और एनएसडीएल बैंक का, ये दोनों का आप लोग के पास जो है यहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है कि आप लोग जो है ये दोनों का एईपीएस इस्तेमाल कर सकते हैं। आईसीआई बैंक, एनएसडीएल बैंक और यस बैंक का एईपीएस मिलता है इसमें आपको। और डीएमटी मिलता है, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, डीएमटी भी आप लोग कर सकते हैं मनी विड्रॉल के साथ साथ। और यहाँ पर आईसीआई बैंक का कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, आपको जो है क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मिलेगी, डीटीएच रिचार्ज मिलेगा और यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज आपको मिलेगा और माइक्रो एटीएम के माध्यम से आप लोग जो है पैसा किसी भी ग्राहक का निकाल सकते हैं। और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का आप लोग यहाँ पर जो है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का किसी का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन फिनकेयर के बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर और भी बेनिफिट मिलने वाली सर्विसेज के बारे में। यहाँ पर हम जैसा कि बात करें रॉयनेट के साथ आपको जो सर्विसेज मिलता है, यहाँ पर अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं तो अनलिमिटेड अपना जो है रिटेलर बना सकते हैं। एक रिटेलर बनाने का प्राइस जो आता है वो ₹100 आता है अगर आप लोग पहली बार रिटेलर आईडी लेते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का ₹1199 प्राइस है, जिसमें आपको 2 रिटेलर आपको दिया जाएगा। 10 रिटेलर का आप जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और जिस स्टेट के हैं आप लोग उसी स्टेट में। मैं जो है अभी ये आईडी जो प्रोवाइड करूंगा, जो मैं आपको आईडी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ सिर्फ बिहार के लिए आईडी प्रोवाइड होगी, क्योंकि मैं सिर्फ बिहार में ही आईडी आपको दे सकता हूँ, बिहार का हूँ मैं। तो जो यहाँ पर बिहार से और जो लोग बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं वो लोग जो है हमसे आईडी ले सकते हैं। और यहाँ पर जो आईडी लेने का बेनिफिट मैंने आपको बता दिया सर्विस, और यहाँ पर भी आपको सर्विस लिस्ट दिख जाएगा, तो यहाँ पर भी देख लीजिए। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी की। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी अगर लेते हैं तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लगता है और आपका एक फोटो लगता है, और आपको जो है 10 रिटेलर मिलता है और आप लोगों को पहले ही पेमेंट करना होता है ₹1199 डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के लिए। और रिटेलर आईडी के लिए पहले हम डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी समझते हैं। आपको अगर एईपीएस लेना है रॉयनेट एक्सप्रेसो का यहाँ पर जो आईडी लेना है, तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपके पास एक अपना शॉप होना चाहिए। शॉप नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन एक फोटो जो है किसी भी शॉप का आप लोग मुझे भेज सकते हैं या फिर अपना एक सेल्फी भी भेज सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग जब मुझे डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो आपको जो है ₹299 मुझे पेमेंट करना होगा। यहाँ पर ₹299 ₹299 में मात्र आप जो है यहाँ पर एईपीएस आईडी ले सकते हैं और यहाँ पर सीएसपी आईडी ले सकते हैं रॉयनेट एक्सप्रेसो का। ₹299 में आपको आईडी मिल जाएगी। अगर आप लोग लेने में इंटरेस्टेड हैं आईडी, तो मुझसे कांटेक्ट कैसे करना ये भी मैं बता दूं। यहाँ पर देखिए ब्रांड फॉर कासिफ नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर से भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर उससे ज़्यादा बेहतर होगा आप लोग कमेंट्स करिए। कमेंट्स जो लोग करेंगे उसको मैं अपना पर्सनली नंबर दूंगा कमेंट्स के अंदर, और कमेंट्स के अंदर से मुझे कॉल पर बात आप लोग कर सकते हो। तो आप लोग जो है ना यहाँ पर मुझे कमेंट्स करिए, कमेंट्स करने के बाद जो है यहाँ पर मैं आपको अपना नंबर दूंगा, मुझसे व्हाट्सअप पर बात कर सकते हैं या कॉल पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग जो है नंबर नहीं लेना चाहते हैं और डायरेक्ट जो है इंस्टाग्राम से कांटेक्ट करना चाहते हैं ब्रांड फॉर कासिफ नाम से, मेरा जो है यहाँ पर जो इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप लोग आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैंने बता दिया, इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में आपको बता दें। देखिए दूसरी जो एईपीएस कंपनी है उससे ज़्यादा बेहतर
एक्सपीरियंस आपको जो है यहाँ पर इसका स्मूथ एक्सपीरियंस जो है आपको रॉयनेट का मिलने वाला है। उसमें क्या है कि बहुत सारी इशू आ जाती है तो फिर आपको ग्राहक सपोर्ट भी नहीं मिलता है। यहाँ पर जो 24 घंटे आपको मेरा भी सपोर्ट मिलेगा और जब भी आप कस्टमर केयर को कॉल करेंगे इंस्टेंट आपका कॉल भी पिक कर लेते हैं कस्टमर केयर वाले। और आपका जो आईडी एक्टिवेट होता है दोस्तों, जैसे हम प्रोवाइड करवाते हैं आपको 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर में जब आप पेमेंट और डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो 10 से 15 मिनट के अंदर में मैं आपका आईडी पासवर्ड जनरेट कर देता हूँ और उसको जो एक्टिवेट होने में 24 आवर्स का टाइम लगता है। ठीक है, 24 आवर्स के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर में आप लोग जो है यहाँ पर अपना आईडी एक्टिवेट करना है। आपको कैसे करना है ये भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए क्या होता है, जब मैं आपको आईडी पासवर्ड दूंगा और आईडी पासवर्ड देने के बाद क्या होता है दोस्तों कि आप जो है रॉयनेट एक्सप्रेसो के एप्लीकेशन को डाउनलोडिंग करोगे और डाउनलोडिंग करने के बाद पासवर्ड और यूजर आईडी वहां पर डालोगे और फिर वहां पर जो है ना आपको एपीएस केवाईसी करना होगा यस बैंक का। वहां पर अपना आधार नंबर डाल के बायोमेट्रिक लगाओगे, फिर आपका केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर आपको जो है अपना एक सेल्फी यहां पर क्लिक करना होता है और सेल्फी क्लिक करके आपको जो अपलोड करना होता है, फिर आपका जो है आईडी सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो लोग यहां पर लेने में इंटरेस्टेड है रॉयनेट एक्सप्रेसो की आईडी मुझसे कांटेक्ट करिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।